आपका नाम? अब्दुल सलाम। अब्दुल जी, कल 2019 का बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है बजट से? बजट से यही है कि हमारी जो वाजिब हमारे जो हम जो भी खेती कर रहे हैं, आलू की है, धान की है, हमें उसका वाजिब मूल मिल जाएगा। वो डीजल से कितना तेज़ हो, डाई कितनी तेज़ हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जेब में दाम होगा, हम आराम से खरीद लेंगे। हमारा स्टोर से आलू अब 300 रुपये कट्टा बिक रहा है, 200 रुपये का अब निकालते में खर्चा है, हमें मात्र 100 रुपये बचेंगे उसमें। 100 रुपये में हमारी सारी लागत है, बोने से लेकर और रखने तक की, हमें कुछ नहीं बच रहा। हम घाटे में जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं। और तो इस बार 2019 का बजट आ रहा है, हाँ तो ये भाई ये उम्मीद है कि हमारी जो भी फसलें हैं हमें उसका वाजिब दाम मिल जाए। और हमें और कुछ नहीं चाहिए, डीजल कितना तेज हो जाओ, डाई कितनी तेज हो, जब जेब में दाम होंगे हम सब खरीद लेंगे। केवल आपकी फसल का, हाँ बस बस हमें उचित मूल मिल जाएगा, उचित मूल बस बस। और सब कुछ सही हो रहा है, 18 घंटे में बिजली मिल रही है, पर जब बारिश नहीं होती तो सरकार क्या करेगी इसमें? ऊपर वाला करेगा, सब हो जाएंगी पूर्ति है तो। पर हमें तो दाम चाहिए जी हमारी फसल के, बस 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 फसल के हमें वाजिब दाम दे दे बस। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित गुर्जर है। रोहित भाई, ये सब किसान नेता हैं और कल 2019 का बजट आ रहा है, तो क्या उम्मीद है? हमें सरकार से बहुत उम्मीद है। सबसे पहले तो किसानों की जो बिजली है वो आधे रेटों पे होनी चाहिए, और अब की बार मानसून भी लेट है तो स्वाभाविक है किसानों को बहुत फसल बहुत बर्बाद होने वाली है। तो कुछ बीमा जो पिछली किसानों के जो फसल बीमा है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। और गन्ना किसानों के लिए, उनको जो मील पेमेंट देने में जो दिक्कत करती है उनके लिए कुछ राहत होनी चाहिए। आलू किसान हैं, आलू वाले जो किसान हैं जो आलू बोते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इतना आलू में लागत आ जाती है जितना मिलता नहीं है। डीजल महंगा है, सब कुछ महंगा है। उम्मीद है कि सरकार ये सस्ता करेगी, और ये देश का भगवान है किसान, इस भगवान के लिए इस बार पिटारा जरूर खोलेगी। आपका नाम? हितेश। हितेश जी, जैसे आप किसान हैं, कल को 2019 का बजट आ रहा है, तो क्या उम्मीद है इन बजट से? नहीं, बजट से उम्मीद तो जब होगी, बजट देते कहाँ है, वो जो देते हैं वो पूरा नहीं होता। मतलब सरकार जो वादे करती है पूरा नहीं करती, कोई सी सरकार हो, बताएंगे बोलेंगे हो जाएगा, होगा भी तो कागजों में पूरा हो जाएगा, किसान तक आएगा नहीं कभी भी। तो इस बार क्या उम्मीद लगा के बैठे हो बजट से? बजट से तो उम्मीद यही है कि सबका समर्थन मूल्य बढ़ाएं, और जो मतलब ये बोलते हैं लागत का 2 गुना देंगे, तो 1.5 गुना ही करते हैं, वही बहुत है। लागत के भी वैसे लागत भी नहीं मिल पाती है, नहीं मिल रही, बताओ ना। 300 रुपये कट्टा बिक रहा आलू का, उसमें 200 रुपये किराया उसका हो गया मील का, वो जो बुआई है, जुताई है, खुदाई है, वो तो सब फ्री में जा रही है, किसान को नहीं मिल रहा कुछ भी। 10 रुपये उसमें कट्टा लग रहा है, तो किसान टोटली लॉस में जा रहा है। टोटली लॉस में, अगर ये हाल रहा तो कुछ दिन सब खेती करना छोड़ दें, मजदूरी करेंगे, किसान भी क्या करेगा? और जब ही सही रहेगा, यही सरकार यही चाह रही है। पर हमें यह है कि हमारा आलू खेती हमारे ज़्यादातर है, हमें आलू का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा ढंग से, कम से कम 1500 रुपये कुंटल का तो होना चाहिए, और उससे ज़्यादा की लागत आ रही है। लागत के अकॉर्डिंग मूल्य नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस में टोटल। आपका नाम? फ्रेशिंग जी, कल 2019 का बजट पेश हो रहा है, जी किसान है आप, हाँ। क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद क्या है, सरकार से उम्मीद तो कोई नहीं, सरकार के लिए हम तो चाहते हैं कि जो है भैया सरकार दोबारा सत्ता में आई है, जनता ने चुन के इन्हें भेजा है, और किसान की इतनी लागत आ रही है फसल में कि भाई जो है किसान कर्ज में डूब रहा, कुछ नहीं बच रहा है, डीजल महंगा, खाद महंगे, बिजली नहीं आ रही, बिजली महंगी। अब हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, ट्रैक्टर से कितनी लागत आती है? चलो मेरे पास ट्रैक्टर है, दूसरे भैया के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो किराए से जुताई करवाता, जुताई इतनी महंगी, 100 रुपये की 1 बीघा जुताई होती है एक बार जाओ, और फसल का मूल्य हमें कुछ नहीं मिल रहा। भाई सरकार कहते हैं कि 2 गुना मूल्य होना चाहिए फसल का, लागत का 2 गुना भला 1.5 गुना भी नहीं हो रहा, तो कम से कम 1.5 गुना तो होना ही होना चाहिए। और हमारी आलू की फसल है, आलू की फसल में किसान को कुछ नहीं मिल रहा। अब मिल्स है, जो कोल्ड स्टोर से आलू निकल रहा है उसमें 200 रुपये का खर्चा है, फसल में बिक रहा था जो रेट फसल में बिक रहा था वही अब बिक रहा है, यानी कि कोल्ड स्टोर का और लेबर का खर्चा काट के कुछ नहीं मिला किसान को, कुछ भी अगर मिल रहा हो उसमें। अगर वही बात करें, 2019 का कल बजट हो रहा है, उससे क्या उम्मीद है आपको? उससे उम्मीद है कम से कम जो है कुंटल का रेट 1000 रुपये कुंटल का हमारे आलू का रेट होना चाहिए, जो और गेहूँ है, धान है, इन सब का रेट जो कम से कम लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। और क्या परेशानी आती है आपको 2019 का बजट है, और क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें का उम्मीद तो तभी होगी जब सरकार कुछ करेगी, जो ये सरकार तो वादे करती है, करना कुछ है नहीं। अगर वादों की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है।